Assalamu alaikum, dear students. As you know that in previous lectures we discussed different resources. How can we manage these resources in order to achieve our goal within a period and we get good results? As you know that money, time and the energy, they are very limited and we have to plan before using them in achieving a goal or objectives. So it is our responsibility, either home manager or the organization manager, to plan before using these resources. They have to manage, they should know how can we manage the resources as they are very limited, and we have to achieve our goals by applying these limited resources. I hope, dear students, you understood all those resources and how can we manage time, energy and the space. Now the last topic of your this chapter is the event management, its planning and execution. As you know that the event management kya hota hai, jab aapko koi jaise ki organization hai, so koi program organize karna hai, like हमें मैरिज है या कॉन्फ्रेंस होती है, वर्कशॉप हो जाता होता है, ठीक है, या वेडिंग प्रोग्राम होता है या कोई भी फेस्टिवल होता है. सो ऑन सच ओकेजन्स हम पहले प्लान करते हैं, उसको हम कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट. इट मीन्स कोई ओकेजन होता है, उस ओकेजन के लिए आप पहले प्लानिंग करते हैं कि मुझे क्या क्या मेन्यू रखना है, कैसे मुझे वो मेन्यू प्रेजेंट करना है, कितने मेंबर्स को मुझे इनवाइट करना है, एंड मुझे कितनी स्पेस चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स मुझे यूज़ हो जाएंगे इस इवेंट में, ठीक है. ये सारे आप पहले एंड लिस्ट करते हैं. आफ्टर दैट आप देखते हैं कि पहले मेरा मकसद क्या है किसी इवेंट का. एज पर द एम ऑफ द इवेंट आप प्लानिंग करते हैं कि मुझे कैसे इस इवेंट को एक्शन में लाना है, क्या क्या मुझे इसमें नीड है, कौन कौन से मुझे इसमें रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाएंगे, कितने मेंबर्स को मुझे इनवाइट करना है, कितने डेज तक के प्रोग्राम चलेगा. सो एज पर द एम ऑफ द इवेंट यू प्लान योर ऑब्जेक्टिव्स. Then accordingly you act on that objectives and finally you achieve that goal. After उसके बाद evaluate करते कि मैंने जो steps frame किए थे, फिर उन्हीं steps पे आप चलते हैं, follow up करते हैं. Because when you follow up those planned objectives, you achieve your goal in a very successful manner. That is event management. Dear student, see here is event management. It is the powerful blend of the creative and technical skills that are essential for the creation and delivery of any live experience. ठीक है ना, ये live experience यहाँ पे आपके सब लोग होते हैं, चाहे conference होगी या workshop होता है, different areas से लोग आ जाते हैं, so उनका different region होता है, different culture होता है, so all these factors you have to keep in mind while you are planning while you are planning for event. ठीक है, सो इवेंट मैनेजमेंट जो है उसमें आपको ऑल दोज एस्पेक्ट्स आपको माइंड में रखने हैं, लाइक डिफरेंट रीजन है, कल्चर है, एज ग्रुप आपको माइंड में रखना है, टाइम पीरियड कितना है, ठीक है, फॉर हाउ मेनी डेज दिस इवेंट इज प्लेइंग, कितने टाइम तक ये चलेगा. सो इसमें आपको स्किल और टेक्निकल एफर्ट की नीड है, बिकॉज दिस इवेंट मैनेजमेंट इट नीड्स या इट रिक्वायर्स टेक्निकल स्किल एंड द क्रिएटिव माइंड. देन ओनली यू कैन प्लान और यू कैन मैनेज इवेंट वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी क्रिएटिव. ठीक है, लाइक इवेंट मैनेजमेंट एक एग्जाम्पल, वेडिंग, फेस्टिवल, सपोर्टिंग स्पोर्टिंग इवेंट, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग. सो ये जो ये सारे फेस्टिवल्स हैं, इवेंट्स हैं, इसमें डिफरेंट रीजन्स के लोग आ जाते हैं, उनका डिफरेंट कल्चर होता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर डिफरेंट, एज ग्रुप इज डिफरेंट. ठीक है, सो ऑल दीज फैक्टर्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर ऑर्गेनाइजिंग एनी इवेंट. ठीक है, देन ओनली यू गेट सक्सेस इन इवेंट ऑर्गेनाइजेशन. In practice, it is perhaps the most exciting and rewarding job on the planet, isn't? ये एक बहुत exciting job है. जब कोई organization, either college or school, they organize a seminar or workshop, तो उनका एक मकसद होता है कि अगर हमें आज success मिल जाएगी, so then again उनको उसके लिए rewards मिल जाते हैं, जो उनके higher higher persons होते हैं उसके organization में,
तो उनको रिवॉर्ड मिल जाता है, सर्टिफिकेट से उनको रिवॉर्ड्स देते हैं थ्रू सर्टिफिकेट्स और थ्रू ग्रेड्स दे गेट रिवॉर्ड। देन इन फ्यूचर दे ऑर्गेनाइज अगेन लाइक दीज वर्कशॉप्स। ठीक है, अगर उनको सक्सेस एक चीज में, एक इवेंट में नहीं मिल जाएगा तो मे बी नेक्स्ट टाइम उनको चांस नहीं मिल जाएगा इवेंट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट नीड्स क्रिएटिव एंड वेरी टेक्निकल स्किल, बिकॉज इट इज वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, दिस इवेंट मैनेजमेंट इट इज वेरी एक्साइटिंग एंड इट इज वेरी प्रैक्टिकल जॉब ऑन द प्लैनर, बिकॉज इफ यू गेट सक्सेस इन वन इवेंट मैनेजमेंट देन यू गेट द अनदर ऑर्गेनाइजेशन इवेंट। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इवेंट। इट इन्वॉल्व स्टडिंग द ब्रांड, आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस, devising the event concept, planning the logistics, coordinating the technical aspects before actually launching the event, which is also very accurate. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, पहले आप देखते हैं कि आपका क्या काम है, कौन सा वर्कशॉप या कौन सा इवेंट है आपको। ठीक है, आफ्टर दिस आप देखते हैं कि मुझे कितने लोगों को इसमें इनवाइट करना है, जो वो लोग आएंगे वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनका क्या कल्चर है, उनका क्या रिलीजन है, ये सारे स्टेप्स आप देखते हैं। फिर आप देखते हैं कि मेरे पास उतनी स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे मैं ये इवेंट ऑर्गेनाइज करूँ। ठीक है, उस स्पेस में मुझे कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत नीड है जो आपको चाहिए उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। ठीक है, सो ये सारी ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन द माइंड, देन यू फ्रेम ए प्लान what type of activities you have to perform, what type of things you need and what type of menu, quantity, each and every activity you have to enlist, then you prepare a plan, then you execute that plan, then only you achieve your goal, then only you organize that event in a very successful manner. ठीक है, तब आपको एक event successful हो जाता है when you follow up a planned objective. ठीक है, या planner जो framework हम बनाते हैं जब हम उसको follow up करते हैं then you get the success in that event management. ठीक है, that is event management. Take example of the wedding marriage. ठीक है, जैसे वेडिंग फेस्टिवल होता है हमारे फैमिलीज में, हम देखते हैं हमें कितने गेस्ट को इनवाइट करना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मेहंदी रात को कितने लोगों को इनवाइट करेंगे एंड जो मेन वेडिंग डे होता है उसमें हम कितने लोगों को इनवाइट करेंगे। ठीक है, फिर अगेन हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मेन्यू में रखना है, हमें किस किस चीज़ की नीड होगी, अगर हमें ज़्यादा लोग होंगे तो हमें वैसे ही बड़ी जगह होनी चाहिए जहाँ पे प्रिपरेशन भी होगा, सर्विंग भी होगा, स्टिंग भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। ठीक है, फिर आप डे देखते हैं कि कौन सा डे इसके लिए बेटर रहेगा सो दैट हर एक के लिए कन्वीनियंट रह जाए। ठीक है, सो ये सारी स्टेप्स आप माइंड में रखते हैं, देन ओनली यू गेट सक्सेस इन इवेंट मैनेजमेंट। फाइनली ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको सक्सेस या जो मेन टास्क है इवेंट मैनेजमेंट में। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स आप देखते हैं आपका मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जब आपने कोई प्लान बनाया, ठीक है, उस प्लान को अचीव के लिए यू आर फ्रेमिंग सम स्टेप्स। ठीक है, जो स्टेप्स आप फ्रेम करते हैं, जिन पे आप फिर वर्कआउट करते हैं और आप अपने टारगेट तक पहुंचते हैं, तो जो वो स्टेप्स है दीज आर ऑब्जेक्टिव। तो जब आपको वो स्टेप्स ईजिली अंडरस्टैंड होंगे, जब आपको स्टेप्स समझ में नहीं आते होंगे कि मुझे क्या करना है, तो आपको कहाँ पता है कि मुझे क्या क्या फॉलो अप करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच ऑब्जेक्टिव इन ए बेटर वे। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग टाइमलाइन, इट मीन्स आपको फिक्स टाइम रखना है, ये नहीं ऐसे ही ओपन में रखना है कि नहीं मुझे इवेंट करना है ये पता ही नहीं है कि कब क्या करना। उससे हम ऐसे ही लीनियंसी लेते हैं, हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, हम कहते नहीं अभी टाइम है। तो जब मैं फिक्स टाइम रखती हूँ देन यू नो दैट I have limited time and within this less period of time I have to frame objectives, I have to organize this event. So establishing timeline is very important. Selecting a venue. So venue हम select करते हैं as per the type of event. ठीक है, it means जब आप select venue करते हैं you assess
whether there is power supply, water supply, proper drainage system, ventilation is very important, parking is very important. So when you select a venue, you have to keep these things in mind, ठीक है? Because अगर हम ये सारे स्टेप्स माइंड में नहीं रखेंगे, मे बी जो गेस्ट्स है दे फेस प्रॉब्लम एट दैट टाइम. सो दैट इज वाई यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ वेन्यू फॉर एनी इवेंट, ठीक है? सोर्सिंग एंड मैनेजिंग सप्लायर्स, आपको देखना है कि अगर मुझे ये इवेंट करना है, मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे. अगर मैं कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती हूँ, उसमें पैसे यूटिलाइज हो जाते, वो पैसे मुझे कौन देगा, कैसे मुझे उसको मैनेज करना है, कैसे सोर्सेज को मैं जो भी चीज़ें मुझे उसमें चाहिए वो मुझे कहाँ से परचेज करनी है, कौन इंसान क्या क्या लाएगा. तो ये सारे आपको माइंड में रखना है, ठीक है? मैनेजिंग बजट, देन यू हैव टू मैनेज बजट, बिकॉज जो आपको देखना है कि जब हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, हम देखते हैं, अब आपने वेन्यू भी सिलेक्ट किया, पहले आपने स्टेप्स भी फ्रेम किए, उसके बाद आपने डेडलाइन भी रखा कि कब हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे. आफ्टर दैट यू सिलेक्ट अ वेन्यू एज पर द डिफरेंट स्टेप्स यू हैव टू कीप इन द माइंड. देन यू सोर्सिंग एंड मैनेजिंग सप्लायर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू मैनेजिंग अ बजट, इट मीन्स आपको देखना है कि अगर मुझे इवेंट इसमें मुझे कितने पैसे यूटिलाइज हो जाएंगे. सो अकॉर्डिंगली आप बजट रखते हैं कि अगर टेक फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि इसमें मुझे इस इवेंट में 50,000 लग जाते हैं, बट आप उसके लिए 60,000 रखते हैं, ठीक है? मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, आपको फिर देखना है अपने कोवर्कर्स को कम्युनिकेट करना है कि किसको क्या वर्क असाइन किया है, कौन कहाँ से क्या लाएगा. तो हर आपको जो भी आपने प्लान बनाया है उसको आपको फिर एक्शन में लाना है. अपने अपने वर्कर्स को गाइड करना है, क्या क्या आपको परचेज करना है, क्या आपको मार्केट से लाना है, कहाँ से लाना है, कितना लाना है, ठीक है? उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या क्या ऑब्जर्व करनी है, ये सारी चीज़ें आप अपने वर्कर्स को गाइड करती है. मैनेजिंग रिस्क, आप ये भी माइंड में रखते हैं कि कहीं ना पे मे बी अगर हम ये रिस्क इसमें हो जाएंगे, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है. बट इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज रिस्क आप पहले ही देखते हैं, अगर मैं ये रखूँगी मे बी ये प्रॉब्लम फेस हो जाएगी. सो आप वहाँ पे सब ऑर्डिनेट सोल्यूशन रखते हैं, ठीक है? बिकॉज रिस्क को अवॉइड जरूरी करना चाहिए, देन ओनली यू गेट सक्सेस इन इवेंट मैनेजमेंट. थिंकिंग सस्टेनेबली, ये लास्ट टास्क है जो मैनेजिंग इसमें आ जाता है. जो आप भी सोचते हैं वो पॉजिटिवली, ऐसा नहीं होना चाहिए. इसमें क्रिएटिव माइंड यूज हो जाता है, थिंकिंग इसमें बहुत पावरफुल होनी चाहिए, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए कि आप सब कुछ नेगेटिव सोचेंगे, आप उसमें कम टाइम लेंगे. नो, यू हैव टू टेक ऑल दीज स्टेप्स, यू हैव टू प्लान द इवेंट एंड ऑल द स्टेप्स वेरी अटेंटिवली, वेरी इन क्रिएटिव थिंकिंग, एंड यू शुड बी वेरी पॉजिटिव व्हेन यू आर प्लानिंग एन इवेंट, ठीक है? सो जब आप किसी इवेंट के लिए प्लान करते हैं, यू शुड बी वेरी एक्टिव, योर माइंड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल हैसल, ठीक है? यू शुड बी फिजिकली एक्टिव, ठीक है? देन ओनली यू कैन फ्रेम. व्हेन यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट, देन यू विल फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स इन एन इफेक्टिव मैनर, ठीक है? यू शुड गाइड ऑल द वर्कर्स और ऑल द मेंबर्स दैट हाउ कैन यू स्टार्ट योर वर्क, ठीक है? विच टास्क यू हैव टू परफॉर्म, हर एक मेंबर को आपको असाइन करना है कौन सा टास्क आपको करना है, ठीक है? सो देन ओनली वो वेरी अटेंटिवली उस टास्क को कर सकते हैं, तो आप सक्सेस ले सकते हैं अपने इवेंट मैनेजमेंट में, ठीक है? सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर event management. I hope you understood this topic, and I hope you understood all those topics that come under this unit. Thank you so much for today's lecture, and dear students, if anyone has any inquiry, please inform me on WhatsApp group. Thank you so